राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 20 जनवरी 2022 तक झारखंड में कोरोना वैक्सीनेशन का काम पूरा कर लेने का डेडलाइन फिक्स किया है। पर राज्य में कोरोना वैक्सीनेशन के अब तक के आंकड़े यह सवाल उठाता है कि क्या मुख्यमंत्री ने जो भरोसा राज्य की जनता को दिलाया है वह पूरा भी हो पाएगा। राज्य में 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों की संख्या 2,41,21,312 है, जिसमें 9 दिसंबर तक 1,71,10,460 लोगों को पहला डोज दिया गया है, तो महज 87,99,281 लोगों को वैक्सीन का दूसरा डोज दिया जा सका है। ऐसे में अगर हर दिन 3,83,000 लोगों को वैक्सीन का दूसरा डोज दिया जाए, तब जाकर 20 जनवरी 2020 तक राज्य में सभी को वैक्सीनेट किया जा सकता है। पर सवाल यह है कि अभी जब हर दिन 1,25,000 लोगों को ही कुल मिलाकर वैक्सीन दिया जा रहा है, तो क्या 20 जनवरी तक राज्य अपने लक्ष्य को पूरा कर पाएगा? राज्य की सत्ताधारी दल और विपक्ष के नेता कहते हैं कि मुख्यमंत्री की घोषणा इसलिए है ताकि अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो, तेजी से वैक्सीनेशन कराए ताकि इस लक्ष्य को पूरा किया जा देखिए, सके। अभी तो 1 महीना से ज़्यादा बाकी है, और आप किसी भी चीज़ को यदि मिशन मोड पे काम करते हैं तो वो असंभव नहीं है। और चूंकि अभी हमारा जो सरकार आपके द्वार का जो कार्यक्रम है, उसी तरह ये जो घर घर जाकर वैक्सीनेशन के लिए हमारे पास में उतने रिसोर्सेस हैं, स्वास्थ्यकर्मी हैं जो घर तक मूव कर सकते हैं, उसके लिए मोबाइल वैन्स हम लोगों के पास में उपलब्ध है। तो हमको लगता है कि ये चैलेंज यदि एक्सेप्ट करेंगे हम लोग तो इस काम को हम लोग पूरा कर लेंगे, और ये कोई आसमान तोड़ना नहीं है, केवल और केवल अपना एफर्ट लगाना, और उस एफर्ट के लिए जो मोटिवेशन है उसके लिए मुख्यमंत्री जी का जो आह्वान होगा वो हमको लगता है कि स्वास्थ्यकर्मियों के लिए एक स्पिरिट का काम करेगा। देखिए, राज्य सरकार जब कोई भी बात बोलती है और जब मुख्यमंत्री जी बोलते हैं तो एक अंदाजा पर बोलते हैं, अब उसको पकड़ के भी रखने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ऐसा मानना है, व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि यदि हम कह दिए कि भाई इतना समय तक हो जाएगा, तब एकदम पंडित जी के पत्रा की तरह तो नहीं संभव है कि भाई इतना बजे शुभ मुहूर्त समाप्त हो जाएगा। वैक्सीनेशन चल रहा है, केंद्र सरकार मुफ्त में वैक्सीन दे रही है, राज्य सरकार अपने स्तर से चला रही है, उससे भी ज़्यादा यदि मैं कहूँ तो सामाजिक संस्थाएं हैं, पार्टियां हैं, वो अपने स्तर से वैक्सीनेशन करा रही हैं। मैं भी पार्टी द्वारा जो चलाए जा रहे वैक्सीनेशन है, करीब करीब 100 से ज़्यादा बार मैं जा चुका हूँ। तो मैं ये कहूँगा भाई, मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया है, लेकिन अब एकदम इसको पकड़ के और गांठ बांध के नहीं रखना चाहिए कि उस समय तक पूरा ही हो जाएगा। यदि हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं भी होता है तो भी मैं समझूंगा कि कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह से इसको एकदम बिल्कुल लकीर क्या कहते हैं उसको, एकदम डेडलाइन डेडलाइन मानना भी अच्छी बात नहीं है। ऐसा